ओके सो हे गाइस, वत्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं आप सभी कुछ बैकग्राउंड पीएनजीज दूंगा, जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, मैं आप सभी से एक चीज़ बोलना चाहूंगा यार, इस वीडियो में आप सभी को जो है कलर करेक्शन वाला पार्ट बहुत जरूरी है आपका देखना, क्योंकि गाइस अगर आप जब तक कलर करेक्शन वाला पार्ट नहीं देखोगे आप यार सेम फोटो एडिट नहीं कर पाओगे। तो गाइस कलर करेक्शन वाला पार्ट जरूर देखना। बाकी गाइस चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है क्या गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस यहां पे मैंने मॉडल का जो है बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, एंड जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीन चार वीडियो के लिंक मिलेगी, आपको तीन चार वीडियो में से जोन सी देखनी हो आप देख लेना एंड वहाँ से आप इरेज करना सीख लेना। बाकी अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस जब आप अपने मॉडल को आप यहाँ पे ऐड कर लोगे तो आपको जाना है एक बार इरेजर टूल में, एंड यहाँ पे गाइस आपको साइज छोटा रखना है थोड़ा सा, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फोटो को जूम करना है, एंड जो आपके नीचे पैर दिख रहे हैं गाइस आपको सिंपली यहाँ पे इस इरेजर का साइज बढ़ा करके एंड इस तरीके से आपको इसको इरेज करना है। ठीक है, जो शूज़ वाला एरिया होगा आपको सिर्फ उतना उतना इरेज करना है। अब गाइस जितना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना है। एंड गाइस अभी आप सभी को लग रहा होगा ये डन मैंने क्यों करवाया, क्योंकि अभी हमारा मॉडल तो उसका जो टाइगर है उसके पीछे गए ही नहीं। बट गाइस क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से मैंने आप सभी के लिए एक पीएनजी बना रखा है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है एंड ऐड फोटो में जाकर आपको उसको ऐड करना है, एंड इसके बाद आपको फुल स्क्रीन कर देना है। बट गाइस आपको इरेजर टूल में जाकर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, आपको इरेजर टूल में जाना पहले तो आपको यहाँ पे गाइस उसके फेस के सामने से यहाँ पे इसको इरेज करना है। ठीक है, यहाँ पे पैंथर को जो है आपको फेस के टाइप पीछे आगे से इरेज करना है, पीछे से भी थोड़ा इरेज कर देना है। ठीक है, क्योंकि गाइस इसलिए कर देना है क्योंकि गाइस ये इरेज करते टाइम गाइस कुछ कुछ पार्ट रह जाते हैं, बट गाइस जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, तो गाइस उसमें जो है गाइस कुछ पार्टिकल्स वगैरह जो भी हैं सब कुछ रियल है, तो उसमें आपको कुछ भी मतलब कि वो पहले जैसा ही रहेगी आपकी फोटो, इसलिए मैंने आपको इरेज करने के लिए बोला। ठीक है, तो अभी हम इसकी ओपेसिटी फुल कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डन। ठीक है, तो अब इसको हम डन करते हैं। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना है दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को एक पीएनजी, मतलब ग्रास के पीएनजी है ब्लर वाले। इससे क्या होगा कि एक फोटो में एक अच्छा सा लुक आएगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऐड फोटो से जाकर इसको ऐड करना है, इसको आपको इस तरीके से आपको फुल स्क्रीन करके यहाँ पे ऐड कर देना है। तो एंड गाइस आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है इस पीएनजी की वजह से हमारी फोटो में। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से आपको ऐड करना है एक पार्टिकल का पीएनजी। तो गाइस पार्टिकल का पीएनजी पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देंगे, एंड इसको हम कर देंगे यहाँ से फुल स्क्रीन, ताकि जो मतलब कि ये पूरे फोटोज में चाहिए ना हमें, तो इसलिए हम इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको उसकी थोड़ी सी ओपेसिटी जो है यहाँ पे कम कर देना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब गाइस इतना कर देने के बाद आपको जाना इरेजर टूल में, आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले तो इसको थोड़ा सा आपको फेस के पास से इरेज कर देना है, एंड उसके बाद कर देना आपको उसको डन। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना, एंड गाइस इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है ये पीएनजी। ठीक है जी, तो गाइस सनलाइट का पीएनजी मैंने आप सभी के लिए दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको क्या करना, आपको यहाँ पे पहले जाकर इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है, एंड गाइस आपको रोटेट करके आपको कुछ स्टेप्स अपनी फोटो में यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको फुल स्क्रीन करके एंड यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ। ओके गाइस, तो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको फोटो को सिंपली डन करना है, उसके बाद अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। फिर गाइस आपको इसको लेकर चलना लाइट रूम मैप में, लाइट रूम मैप पर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे गाइस थोड़ा सा इसका जो कॉन्ट्रास्ट है आपको इसको थोड़ा सा कम करना है, एंड गाइस इसके बाद आपको मिलेगा हाईलाइट, आपको उसका हाईलाइट को जो इसको भी थोड़ा कम कर देना है, एंड मिलेगा आपको शेडो, आपको उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है शेडो को, ताकि जो फोटो की डिटेल है वो वापस आ जाए। फिर उसके बाद आपको जो लाइट है आपको उसको थोड़ा कम करना है, एंड जो आप ब्लैक है इसको आपको कम कर देना, ताकि आपकी जो पैंथर और जो मॉडल है वो डार्क हो जाए। फिर उसके बाद आपको जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको उसकी वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड थोड़ा सा टेम्परेचर है जिसको कम कर देना है। फिर आपको जाना कलर मिक्स में, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस कर देना है, एंड इसके नीचे आपको थोड़ा सा लूमिनस मिलेगा, आपको अपना फेस के अकॉर्डिंग बढ़ा देना है। फिर आपको जाना येलो कलर में, आपको जो ह्यू है इसको आपको यहाँ पे प्लस कर देना है, थोड़ा सा ग्रीन टोन आ जाए ताकि, एंड उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा सैचुरेशन है इसको भी इंक्रीज कर देना है। फिर आपको यहाँ से ग्रीन कलर में जाना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से ब्लू कलर में, आपको उसका सैचुरेशन अगर चाहो तो माइनस कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, तो मैं इसको भी यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, ह्यू को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। फिर उसके बाद जाना आपको पर्पल कलर में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है थोड़ा सा, एंड उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पे डन। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है कलर्स के नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे इस फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, एंड फोटो में हल्का सा विग्नेट डाल देना है, ताकि जो मतलब फोटो में थोड़ा सा डार्कनेस आ जाए। फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको थोड़ा ग्रेन माउंट बढ़ा देना है, एंड जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पर फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, फोटो में थोड़ा सा नोट रिडक्शन डाल देना है, एंड इसके नीचे आपको मिलेगा कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।